वीडियो से पहले आप सभी से मेरा विनत निवेदन और मैं समापार्थी हूँ। भाई आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं भाई मेरे वीडियो में उतना अच्छा साउंड नहीं आ रहा है, भाई मेरा चैनल नया है और मेरा इक्विपमेंट भी उतना अच्छा नहीं है, पर मैं बहुत जल्द एक अच्छा माइक्रोफोन यूज़ करूँगा, खरीद लूँगा। तब तक के लिए मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए और झेल करिए। आपको 10 से 15 हज़ार के बीच में बहुत सारा फ़ोन मिल जाएगा देखने को, Redmi Note 5 Pro या Asus का Zenfone Max Pro या Realme One, इस तरह का फ़ोन आपको मार्केट पे देखने को मिल जाएगा और Nokia X6 भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर मैं बात करूँ 10 हज़ार के बीच में कोई फ़ोन, तो और एक फ़ोन बहुत जल्द आने वाला है 22 मई को और ये लॉन्च होने वाला है Flipkart में। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Huawei का सॉफ्ट बैंक Honor 7A का और ये लॉन्च बहुत जल्द होने वाला है और आपको मिल भी जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये कहूँगा कि भाई जो प्राइस होने वाला है इसका, तो इस प्राइस में क्या जस्टिफाइड है इसका स्पेसिफिकेशन और फीचर्स, और आपको कौन कौन से कलर में ये मिल जाएगा, क्या आपको इसके लिए वेट करना चाहिए और मेरा ओपिनियन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं Honor 7A का स्पेसिफिकेशन रिव्यू और उसके साथ मेरा छोटा सा एक ओपिनियन। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला, तो चलो शुरू करा जाक। डिस्प्ले, Honor ने इससे पहले Honor 7X, Honor 9 Lite इस तरह का बजट फोन लॉन्च किया था इंडियन मार्केट पे। दोनों ही फोन मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है इसका क्वालिटी डिस्प्ले। इस फोन में आपको 5.7 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा और ये IPS LCD डिस्प्ले है। फुल व्यू डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, 2.5D का कर्व प्लस मिल जाएगा और जो रिजोल्यूशन है वो है 720x1440। कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा और ये फुल HD प्लस नहीं है, ये HD प्लस है। तो आप समझ सकते हो ये एक बहुत ही बजट फोन होने वाला है। बात करते हैं बिल्ट और डिज़ाइन की। भाई इस फोन में आपको हर एक Honor की फोन की तरह ही बेस्ट क्वालिटी मिल जाएगा। ये काफ़ी हद तक Honor 7X की तरह देखने को मिलता है। भाई Honor 7A में आपको पीछे में मेटल बॉडी डिज़ाइन मिल जाएगा। बात करते हैं आप प्रोसेसर की। ये फ़ोन मैंने पहले ही कहा है बजट फोन है, तो इस फोन में आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन, हाँ पहली बार क्वालकम स्नैपड्रैगन, क्योंकि Honor के हर एक फ़ोन में Huawei का जो हाई सिलिकॉन किरिन प्रोसेसर होता है वही यूज़ किया जाता है, पर इस फोन में आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर मिलेगा जो ऑक्टा कोर बेस्ड है और ये 1.5 गीगाहर्ट्ज पर चलता है और एड्रीनो 505 का GPU भी मिलेगा। एक्सपेक्ट करता हूँ गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। चलिए बात करते हैं आप कैमरा की। इस फोन में आपको पीछे में 13 मेगापिक्सल के साथ 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। भाई जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका एपर्चर है f2.2 और जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है इसका एपर्चर है f2.0। सामने में आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का कैमरा और इसका भी एपर्चर है f2.0। आपको सॉफ्ट ट्यूनिंग फ्लैश लाइट सामने में मिल जाएगा। आपको शायद यह लग रहा है भाई ये शायद कम्पीट करेगा Asus Zenfone Max Pro को, आपकी कमेंट्स जरूर दीजिएगा मुझे। क्या आप Asus Zenfone Max Pro के लिए वेट करोगे या इस फोन के लिए? डेप्थ मोड और पोर्ट्रेट मोड भी इस फोन में आपको मिलने वाला है। आप बात करते हैं बैटरी की। इस फोन में आपको 3000 mAh का बैटरी मिलेगा। Honor की तरफ से ये कहा गया है आपको एक दिन का बैटरी बैकअप जरूर मिलेगा, क्योंकि जो Snapdragon का 430 प्रोसेसर है वो उतना तो हैवी नहीं है और जो स्क्रीन है वो भी HD प्लस है, फुल HD प्लस नहीं है। मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ इस फोन में आपको बैटरी शायद अच्छा मिल जाए। चलिए आप बात करते हैं स्पीकर की। भाई इस फोन में आपको एक अच्छा स्पीकर क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगा। Honor 7A में यूज किया गया है हाई पावर स्मार्ट PA एम्पलीफायर, उसके तहत आपको यहाँ पे टर्बो चार्ज स्पीकर भी मिलेगा, यानी स्पीकर क्वालिटी ये एक्सपेक्ट करते हैं भाई आपको अच्छा ही मिलेगा। मैं बात करूँ सेंसर्स की, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कमी मिलेगा, यानी इस फोन में आपको एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और आपको मिल जाएगा कंपास भी मिलेगा। इस फोन में आपको पीछे में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और नेक्स्ट अपडेट में आपको फेस अनलॉक का फीचर्स भी मिल जाएगा, Honor की तरफ से ये दावा है। ये फोन चलता है एंड्रॉइड ओरियो 8.1 पर, आपको यहाँ पे EMUI 8.0 का फीचर्स मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। इस फोन में आपको डुअल ब्लूटूथ मिल जाएगा जो बहुत ही फास्ट होने वाला है, ये एक्सपेक्ट करते हैं।
इस फोन के जो बहुत अच्छा फीचर्स मुझे मिला है वो है भाई दो सिम के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड। फोन में आपको दो सिम स्लॉट और एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड देखने को मिलेगा। आप दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड को यूज कर सकते हो। यहाँ पे सैक्रिफाइस सेंसर्स की तरह मत कीजिएगा। और ये जो माइक्रो एसडी कार्ड है ये 256 GB तक सपोर्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से कलर में ये आएगा। भाई ये आपको तीन कलर में देखने को मिलेगा, गोल्ड सामने में व्हाइट, पीछे में ब्लू सामने में ब्लैक, और ब्लैक सामने में भी ब्लैक। ये तीन कलर में आपको मिल जाएगा। Honor 7 लॉन्च हो रहा है फ्लिपकार्ट में 22 मई को, और उसके बाद बहुत जल्द इसका जो अवेलेबिलिटी वो भी हो जाएगा। Honor की फोन में फ्लैश सेल नहीं होता है, आपको ओपन सेल ही दिखने को मिलेगा। तो ये था इसका स्पेसिफिकेशंस, कलर्स और लॉन्च। तो अब इस फोन का प्राइस क्या हो सकता है, अभी तक कोई भी पता नहीं है, इसका इंफॉर्मेशन भी नहीं है क्या हो सकता है। पर मैं अगर आपको कहूं, मैं जो आइडिया मुझे जो हो रहा है, इस फोन का प्राइस लगभग 10 के बीच में ही होगा। तो उम्मीद करता हूं इस फोन का प्राइस 8,000 से 10,000 के बीच में ही हो। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, क्योंकि इस सबको अपडेट वीडियो मिलता रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। भाई आप क्या समझते हो, आपको वेट करना चाहिए Honor 7 के लिए 22 मई तक? आप क्या Realme 1 लोगे या Honor 7 के लिए वेट करोगे? आपका कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। आज के मतलब नहीं, देखो ना, देखा हो नतुन ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য খুব ভালো থাকবেন, খুব ভালো রাখবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।